इंदौर में मेडिकल टीम पर क्यों हुआ हमला? इंदौर में हुई पत्थरबाजी पर सबसे बड़ा खुलासा। बस उन्होंने आए और हम लोग ने जैसे ही पूछना शुरू किया पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। तो वो अच्छा हुआ और पूरी पूरी फोर्स भी थी, सो दैट्स व्हाई हम लोग बच के आ गए। अदरवाइज कोरोना जिहाद या समाज बर्बाद। कल जो हमारे शहर में वाकया पेश आया, शर्मिंदगी से गर्दन झुक गई, शर्मसारी। कोरोना, डॉक्टर और मोदी सरकार। हमें शर्मिंदगी हो रही है इस घटना की वजह से कि जो डॉक्टर सदा दिन खुद संक्रमित हो गए लेकिन हमारी खिदमतों में लगे हुए हैं। मुसलमानों का कोरोना का एमपी के इंदौर शहर से आई इन तस्वीरों ने एक बार फिर से मुस्लिम समाज को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जिस वक्त पूरी दुनिया डॉक्टरों को सलाम कर रही है, उस वक्त इंदौर के टाटपट्टी बाखल इलाके में भीड़ मेडिकल टीम पर हमला कर रही है। देखिए स्वास्थ्य कर्मी कैसे जान बचाकर भाग रहे हैं और ये लोग उन पर पत्थर फेंक रहे हैं। मुस्लिम मोहल्ले में हुई इस शर्मनाक वाकया को लोग सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वीडियो साझा करते हुए कोरोना जिहाद लिख रहे हैं। ट्विटर पर तो हैशटैग कोरोना जिहाद चल रहा है। लेकिन क्या आपने सोचा कि इंदौर के सिलावटपुरा मोहल्ले में ऐसा क्या हो गया था कि भीड़ बेकाबू हो गई? मेडिकल टीम ने ऐसी क्या गलती कर दी थी कि भीड़ उन्हें मारने के लिए तैयार हो गई? इंदौर में जो हुआ उसके पीछे एक अफवाह है, एक ऐसी अफवाह जिसने बहुत सारे लोगों को गुमराह कर दिया। कोरोना, डॉक्टर और मोदी सरकार, इन तीन शब्दों ने इंदौर के मुसलमानों को बुरी तरह से गुमराह किया। बहुत बड़ी साजिश है कोरोना के नाम पे मुस्लिम बस्तियों से मुसलमान को जांच के बहाने से ले जाया जा रहा है और ले जाकर फर्जी पॉजिटिव रिपोर्ट बनाकर आइसोलेशन में रख रहे हैं। अस्पताल में नहीं कहीं और ले जाकर इंजेक्शन लगा रहे हैं कोरोना पॉजिटिव ब्लड के। और इंदौर में इतनी बड़ी आबादी है लेकिन सिर्फ मुसलमानों के ही नाम क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इन्हें पता है मुसलमानों को डरा दो बस और ले जाओ कोरोना के नाम पर फंसा कर निपटा रहे हैं। व्हाट्सएप पर ये मैसेज एक ग्रुप से होते हुए दूसरे ग्रुप में जंगल की आग की तरह फैल गया। भीड़ किस कदर गुस्से में थी वो आप उस महिला डॉक्टर की जुबानी सुनिए जो इस वैसीपन का शिकार हुई थी। क्या हुआ आपके साथ घटना? आप लोग वहाँ जांच करने गए? नहीं, तो हम लोग वही जो स्क्रीनिंग के लिए हमें जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट ने बोला था उसके लिए हम लोग गए थे वहाँ पे। हम लोग तीन दिन से मेरे डॉक्टर जाके जा रहे, डेली स्क्रीनिंग कर रहे हैं, पेशेंट को देख रहे हैं। आज भी हमको पॉजिटिव के कोई कॉन्टेक्ट की हिस्ट्री मिली थी तो हम वहाँ गए थे देखने के लिए। बस उन्होंने आए और हम लोग ने जैसे पूछना शुरू किया पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। कितने लोगों की टीम गई थी वहाँ पर? मैं और ये डॉक्टर जाकी, हम दो टीम डॉक्टर थे और हमारे साथ एएनएम और वो थे आशा कार्यकर्ता, साथ में तहसीलदार सर भी थे। वो अच्छा हुआ और पूरी पूरी फोर्स भी थी, सो दैट्स व्हाई हम लोग बच के आ गए। अदरवाइज बच नहीं सकते। पत्थरबाजी करने लगे शुरू में अच्छे से, हम लोग ने एक की स्क्रीनिंग की बता रहे थे, आंसर दे रहे थे, फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ। एक अफवाह ने इंदौर के टाटपट्टी बाखल के लोगों को गुमराह कर दिया। बहुत सारे लोग इस तरह के मैसेज को सच मान रहे हैं। मैसेज में मुसलमानों के खिलाफ बहुत बड़े षड्यंत्र की बात कही जा रही है। अभी खबर मिली है कि मेरे रिश्तेदार डॉक्टर हैं और उन्होंने बताया है कि पॉजिटिव करके जब इंसान मरने की हालत में आ जाता है तो उसे जहर का इंजेक्शन देकर कोरोना से मौत का कारण बताकर फेंका जा रहा है। संभल जाओ, अगर कोई आपके इलाके में आता है डॉक्टर या पुलिस वाला तो उसको कहना यही जांच कर, यही रिपोर्ट लेकर आ। अगर हम पॉजिटिव निकले तो अपने आप को घर के कमरे में लॉक कर लेंगे, आइसोलेटेड कर लेंगे अपने आप को,
और कोई कितना ही बोले जाना मत, अल्लाह के वास्ते ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए से न जाने ऐसे कितने मैसेजेस लोगों के फोन तक पहुंच चुके हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद लोगों को ये लगने लगा कि मोदी सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही है और लोगों ने इस अफवाह को सच मान लिया। दरअसल मुसलमानों की मॉब लिंचिंग, धारा 370, ट्रिपल तलाक को खत्म करना, राम मंदिर पर आया फैसला, दिल्ली दंगे, एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून, इन तमाम बातों को बीजेपी विरोध में एक साथ जोड़कर देखा जा रहा है। लोगों को लग रहा है कि सरकार मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है, यानी मुसलमानों में सरकार के खिलाफ एक तरह का अविश्वास है और इस अविश्वास का फायदा उठा रही हैं अफवाहें। दोस्तों, कल जो हमारे शहर में वाकया पेश आया, उसकी वजह से यकीन मानिए कि सारे मुल्क के लोगों के सामने शर्मिंदगी से गर्दन झुक गई, शर्मसारी हुई। ये लोग जो आपके मुहाफिज हैं, आपके साथी थे, आपके मुआविन थे, आपकी हालत, आपकी तबीयत देखने आए थे, उनके साथ जो आपने सलूक किया, पूरा हिंदुस्तान हैरत में है कि ये इंदौर शहर जो इतना महजब, इतना पढ़ा लिखा, इतना तमीज़ों वाला, इस शहर को क्या हो गया, किसकी नज़र लग गई, किन अफवाहों में आप लोग गिर गए। खुदा के लिए सोच समझ कर कदम उठाएं। वो लोग जो आपके पास आ रहे हैं, आपकी मदद के लिए आ रहे हैं, डॉक्टर्स, हेल्थ ऑफिसर्स, पुलिस, ये सब हमारे मददगार हैं। इनकी मदद आप अगर करेंगे तो वक्त कल हमारी मदद करेगा। इंदौर के सामाजिक कार्यकर्ता जैद पठान ने भी मुसलमानों से अफवाहों पर ध्यान ना देने की अपील की है। आपको ये चीज़ भी समझना होगी कि ये घटना होने के जो पीछे कारण था सबसे बड़ा, वो कारण अफवाहें ही हैं। वही अफवाहें जिसमें कहा जा रहा है कि मुस्लिमों को इंजेक्शन दे करके संक्रमित किया जा रहा है, अलग अलग तरह के वीडियोज़ वायरल किए जा रहे हैं। आप सोचिए कि इस वक्त जब देश में इस महामारी ने अपने पैर पसार लिए हैं, उस वक्त में इस तरह की अफवाहें फैलाकर कहीं ना कहीं एक साजिशन लोगों को भड़काया जा रहा है, उनको उकसाया जा रहा है और इसमें भी इस मामले को धार्मिक रूप और धार्मिक रंग दिया जा रहा है। बेशक जिन लोगों ने गलतियां की हैं उन पर हमारे यहाँ के DIG जो हैं हरिनारायण चारी मिश्रा जी, उन्होंने आज एक सर्कुलेशन जारी किया जिसमें मालूम पड़ा है कि उन तमाम दोषियों पर कार्रवाई की गई है और कुछ 4 से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बाकी के बचे हुए 10 लोगों पर भी कार्रवाई की जा रही है, जिन पर अलग अलग धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दशूद के माध्यम से हम भी आपसे अपील करते हैं कि आप डॉक्टरों का सहयोग करें। जी हाँ, डॉक्टर्स आपकी मदद के लिए पहुँचे हैं, वो लोग भी अपनी जान को जोखिम में डालकर आपकी सहायता कर रहे हैं। इसलिए आप सभी से इतनी सी इल्तिजा है कि संयम बनाकर रखें, जो भी अफवाह है उसे पहचानें। कोई डॉक्टर्स आपको जहरीली दवा नहीं देंगे। इस मुश्किल वक्त में हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने नागरिक कर्तव्यों को निभाएं, घरों में रहकर अपनी और बाकियों की जान खतरे में डालने से बचाएं, साथ ही मेडिकल टीम से सहयोग करना भी हम सब की जिम्मेदारी है। हम सब को अफवाहों से भी सावधान रहना चाहिए। भरोसा रखिए, एक दूसरे पर भरोसा कीजिए और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बीमारी से हम, इस बड़ी महामारी से हम मिलकर ही जीत सकते हैं। इसीलिए हम सबसे अपील करते हैं कि डॉक्टर्स का सहयोग करें। रिपोर्ट द शूद्र। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें द शूद्र।
और बेल आइकन दबाना ना भूलें।